क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसी को मिलेगी जो चलता है अपने कदमों पर। आज हम पलवल जिले के छोटे से गांव भिड़ूकी में मौजूद हैं, जहां पर हम मिलेंगे एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर से जो अपने कदमों पर खड़े होकर एक बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। जो सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास में पढ़ते हैं, छोटी सी उम्र है, और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप किया है। हम आपको बताएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आएंगे कैसे लोग आज व्यवसाय को लेकर परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि कोरोना काल ने सभी को अपने घरों पर एक जगह बिठा दिया था। 10 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं, लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं है, और हमने देखा है कि छोटा सा बच्चा जिसने इंटरनेट से, गूगल से रिसर्च करके बहुत सुंदर तरीके से एक नया प्रोग्राम, एक नई डेवलप करा है, ईजाद करा है, एक नया तरीका। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे वो क्या कर रहे हैं, किस क्षेत्र में वो आजकल काम कर रहे हैं। अंदर हम जाते हैं, ये उस जगह पे है जहाँ पर वो अपनी फार्मिंग करते हैं। छोटा सा लड़का है, किसान है, और किसान के अंदर एक इतनी प्रेरणा है, जज्बात है, वो चाहता है आगे बढ़ना और काम करना। और सुंदर, लोग गेहूं उगा रहे हैं, बरसम उगा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें लोग खेतों में उगा रहे हैं, पर ये कुछ नई चीज़, अनूठी चीज़ उगाते हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा। हम अंदर आ चुके हैं, कैमरामैन मुझे फॉलो करते रहिए, और ये देखिए कहाँ कैसे सिमेट्री से, कितने सुंदर बद्ध तरीके से पंक्ति के अंदर ये चीज़ें लगाई गई हैं। ये उनसे जानेंगे क्या चीज़ है, कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली। ये देखिए, ये पूरा एक बहुत बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर ये सब कुछ रखा गया है, और तरीके से सिमेट्रिकली इस फॉर्म में रखा गया है। हम अंदर आ चुके हैं, ये बड़ा सा हॉल है, इसके अंदर एक ये पगडंडी जा रही है, कॉरिडोर के अंदर ये है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी योगेश चौहान। योगेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये भिड़ूकी से हैं हम। भिड़ूकी से हैं, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैंने जी अभी रिसेंटली 12th की है। 12th की है जी। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा भाई 9th क्लास में है, मैं गलत था, ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र है जी 18 है। 18 ईयर्स, और ये मैं इधर आया हूँ, ये इतना सुंदर पंक्ति की तरीके से एक लाइन में सिमेट्रिकली रखा गया है, ये क्या चीज़ है, हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को बताइए। जी मशरूम के लिए, हमने मशरूम के बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका लिए मशरूम निकलेगी जी इसमें। इसमें मशरूम होती है। ये प्रेरणा आपको भाई कहाँ से मिली? ये अब तीन में हम, जैसे मैंने पेपर दिए तो एक पेपर मेरा लॉकडाउन की वजह से हुआ भी नहीं जी, तो लॉकडाउन लग गया, सारी चीज़ें बंद, फैमिली में कोई इनकम नहीं जी। फैमिली में इनकम के लिए जी मैंने यूट्यूब खोला, तो यूट्यूब पे आए मशरूम से कमाओ लाखों जी, तो जी मैंने शुरू किया कि क्या है ये लाखों, तो मैंने मशरूम स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने उसके लिए रिसर्च शुरू कर दी मशरूम के पीछे जी, तो मैंने देखा जी इसमें फ़ायदा है जी, पर मैं देखता गया, देखता डेली मैं रही तो को वीडियो देखनी इसकी जी, और कुछ ना कुछ करना, घर वालों को बताना जी ऐसे ऐसे ये काम है, तो जी मैंने इसके लिए और भी रिसर्च की। फिर अब लॉकडाउन में तो कहीं जा नहीं सकते जी, तो मैं घर ही देखता डेली, मैंने की ये बिजनेस चलाओ जरूर करना जी, तो जी कोई नहीं। पर उसके बाद मैंने देखा कि गांव में बहुत सारे लोगों ने मशरूम के लिए ट्रेनिंग ली है जी, तो मैं उनसे मिला जाके जी, और एक भाई है हमारे रामहरी, उनसे मिला मैं, तो वो बोले जी फ़ायदा तो है, मैंने कि आपने क्यों नहीं किया, बोल मैंने ऑस्टर की थी, उन्होंने लॉकडाउन से पहले ही ऑस्टर शुरू कर दी। अच्छा, तो उनको काफ़ी लॉस हो गया उसमें जी, उसके चक्कर में उनकी सेल नहीं हो पाई जी, तो फिर मेरे मन में आया जी इसका सेल भी देखना पड़ेगा कहाँ है, कैसे होगी। तो सेल के चक्कर में पहले फरीदाबाद भी गए, पलवल भी गए, कहाँ है माँ, तब तो नहीं गए, बाकी जैसे जैसे लॉकडाउन खुला धीरे धीरे, उसके बाद देखा कि हाँ भाई इसकी सेल भी है, अच्छी सेल है, तो मेरे मन में आया जी बिजनेस करना है। मैंने पापा को बताया कैसे भी, जब करो भाई बिजनेस तो है, मैंने कन्विंस कर लिया जैसे भी, इनकी करो कुछ तो करो जी, तो जी कर लिया बिजनेस शुरू। फिर देखा कि जगह कहाँ बनाए जी, तो जगह के लिए अब घूमे, तो जी फोन आया जी, पहले हम इसमें स्कूल खोलना चाहते थे जी, 3 साल पहले जी, तो बिल्डिंग नहीं मिल पाई किसी भी कारणवश, तो हमारे मन में जी गांव के बाहर एक बिल्डिंग खाली है, टेम्परेचर भी मेंटेन इसमें होता है जी, तो जी गांव के बाहर है तो टेम्परेचर भी रखना पड़ेगा। अच्छा, गांव के बाहर कम खेतों में है ना ये स्कूल, तो इसलिए ठंडक है इसमें, तो ठंडक है, तो जी हमने अब शुरू में एसी करेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जी, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से हमने ये बिल्डिंग ली,
ये हमारा किराए पे है पूरा फार्म जी। तो हमने इसमें 6000 बैग लगाए हैं शुरू में। अभी मशरूम के 6000 बैग हैं इधर। हाँ जी। तो एक बैग में कितना मशरूम की प्रोडक्टिविटी होती है? तो इसमें हमारी उम्मीद है 2.5 से 3 किलो की। 2.5 से 3 किलो की उम्मीद है ओवरऑल बता रहे हैं या एक बैग? एक बैग से 2.5 से 3 किलो पूरे में। तो 2.5 से 3 से क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया कि एक बैग से 2.5 से 3 किलो मशरूम की प्रोडक्टिविटी है, जो बहुत सुंदर है और हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि एक फार्मिंग हमेशा से हमने सुना है कि खेतों में बाहर होती है, सूरज की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, और ये एक नई टेक्निक के साथ आप निकल के आए हैं कि आप एक ठंडे छत के नीचे आप फार्मिंग कर रहे हैं मशरूम का। तो जी ऐसा ही है, मैंने देखा कि कौन सी जगह सूटेबल रहेगी इसके लिए। जी ये होती है छायादार में होती है, मतलब बंद कमरे में। आपको मैं दिखाता हूँ, आप जी आप मेरे साथ चलिए पीछे, ये हमें लेके चल रहे हैं अपने कमरों की ओर, जहां पर इन्होंने अंदर मशरूम्स को रखा हुआ है, प्रिजर्व करके उसे बना रहे हैं। ये अभी एक सुंदर प्रोसेस है कि वो एक मशरूम को बीज डाले हैं और अब वो बड़ा होगा धीरे धीरे, उसमें किल्ले फूटेंगे। ये देखिए हमारे साथ अंदर आइए। इसमें जी अभी मशरूम कटली है थोड़ी, मतलब ये तो परसों में तैयार हो जाएगा। अच्छा। इसमें 2 दिन से लगातार कंटिन्यू गई है, तो अब हमारी कल की जो पूरे मतलब अभी 3000 बैग निकले हैं। अच्छा। उसमें कल की जो प्रोडक्शन रही है वो है 240 किलो की। 240 किलो मशरूम आपने अभी तक प्रोड्यूस करा है 3000 बैग में। 3000 बैग में से जो ये आपने ये पहले बैग देखे हैं, ये तो बाद में आए सबसे, ये बाद में आए। आप एक चीज और मुझे बताइए, ये जो मशरूम होता है ये ऊपर होता है ये मिट्टी के इसके अंदर होता है? ये देखो जी, मिट्टी का तो इसमें कोई नाम ही नहीं है जी। ये वो उसका पूरा प्रोसेस था, मैंने सब कुछ रिसर्च किया है इसमें पहले। जी जी। तो रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि भाई घर बना सकते हैं नहीं, हाँ। तो एक्सपर्ट की राय भी जरूरी है इसमें। उन्होंने बोला जी आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं ली जी, क्यों लॉकडाउन था, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है और ऑनलाइन वीडियो देख देख के, फिर ऑनलाइन भी ट्रेनिंग चल रही थी मैंने वो भी ली। तो ऑनलाइन से ऐसा कुछ होता तो स्कूल की क्या जरूरत। जी जी बिल्कुल। तो ये फिर हमने बना बनाया ही मंगाया है ये। अच्छा। ये उसका तूड़ा है इसमें जी, ये अब पूरा वाइट हो गया, यानी इसमें मशरूम निकलने के लिए तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये सफेद सफेद एक परत आ गई है। तो ये वाली परत है, मतलब इसमें से अभी मशरूम टूटी है, इसमें मिट्टी डलेगी, अब इसके ऊपर मिट्टी डलेगी ऐसा ये बता रहे हैं जी। तो ये आपके सारे मशरूम यहाँ पर प्रिजर्व करके आपने रखे हैं, और इसके लिए एक चीज़ और दर्शकों को बताएं, अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है मशरूम का, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो आपने लिया है, एक सुंदर प्रयास है मशरूम उगाने का। अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो इंसान जो हमारी तुम्हारी एज का है, यंग जनरेशन का, वो अगर स्टार्टअप करे तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टार्टअप जी खुद करे और फैमिली बैकग्राउंड साथ नहीं दे रहा तो पहले ट्रेनिंग ज़रूरी है। अब तो कोई लॉकडाउन नहीं है, अब ट्रेनिंग ले सकता है। मुड़थल ट्रेनिंग सेंटर में मैं 2 बार गया हूँ जी, उसमें से जब माल आया था तब मैं होके आया हूँ, पूरी जानकारी मैंने उनसे ली है। जैसे भी मेरे पापा भी गए थे, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं जी, ये तो उन्होंने ज्यादा कन्विंस किया है, मतलब मुझे ज्यादा सपोर्ट किया है, भाई कर ले कुछ तो कर ले। और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कि आपने स्टार्टअप किया है। हम मुखातिब होंगे, हम जानना चाहेंगे, आपके पापा से मिलना चाहेंगे, आप मिलवाए हमें उनसे। चलिए आइए जी। ये नमस्कार सर। नमस्कार सर, जब आपके बेटे ने आपको अपनी इच्छा जाहिर की कि मैंने लॉकडाउन में यूट्यूब पे वीडियो देखकर ये प्रेरणा ली है मशरूम उगाने की, तो आपको कैसा लगा और आपने कैसा रिएक्ट करा उसकी बात सुनकर? लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, बच्चे ने बोला मैं कुछ करना चाहता हूँ, पढ़ाई भी नहीं चल रही है जी, तो मैं काम करना चाहता हूँ। बेटा क्या करना चाहते हैं? मैं मशरूम उगाना चाहता हूँ जी। मुझे हेल्प चाहिए बेटा। मैंने क्या हेल्प चाहिए? बोले पापा पैसे की इनकम होनी चाहिए, पैसा जो कन्वेंस हो वो पूरा करेंगे ठीक है, और आप अपना मशरूम उगाइए जी। तो इस बच्चे ने पूरा सेटअप तैयार किया अपने। इसमें जी 2 आदमियों का भी काफ़ी योगदान है, एक तो जो इन्होंने ट्रेनिंग ले रखी थी राम हरी जी, उनसे बिना कंसल्ट करे मैं कुछ नहीं कर पाता जी। राम हरी जी भी हमारे साथ हैं, साथ ही हैं वो भी, और राजेंद्र जी जिन्होंने स्कूल की बिल्डिंग में हमारी मदद की जी जी, उन्होंने बिल्डिंग दिलाई है ये हमको जी।
आइए हम रामहरी जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? बिडूकी गांव से। बिडूकी गांव से। आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? मुरथल से ली थी। मुरथल से। मुरथल में कोई सेंटर है? हाँ जी, मुरथल सेंटर है, इसका बड़ा सेंटर है, वहीं से एग्रीकल्चर का सरकारी डिपार्टमेंट है, वहाँ से ली। आप सर, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें अगर कोई किसी इच्छा जाहिर करता है, कोई जैसे इन्होंने बताया कि आपने ट्रेनिंग ली है, तो कोई इच्छा जाहिर करता है कि मैं मशरूम फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि इन इन बातों का वो खास ध्यान रखें? इसमें करने का ये साफ सफाई का इनका ध्यान रखना है, और कोई भी करे बहुत अच्छी इनकम सोर्स है। इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, टाइम पे स्प्रे करनी है, टाइम पे केसिंग मिट्टी करनी है, जैसे भी इसका जो पूरा टोटली वो है जी। तो शुरू से ही स्टार्टअप से ही सेटअप वाइज सब देखना पड़ता है जी, जी। उसमें देखने साफ सफाई का और इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है जी। और टेम्परेचर टेम्परेचर इसमें 16 से 24 25 डिग्री तक चलता है जी। इससे ना तो ज्यादा हो ना इससे कम हो, ज्यादा ना हो ना कम हो, इसमें मेंटेन करना है वो जैसे भी हो। हम आते हैं, बात करते हैं, राजेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। आइए। नमस्कार सर। और क्या हाल है? बढ़िया सर। सर, ये इंस्पिरेशन जब आपको योगेश ने बताई कि मैं चाहता हूँ कि फार्मिंग करनी है, तो आपने कैसे इस पर रिएक्ट करा और आपका क्या मतलब था, मकसद था कि आपने दिलवाया, वो पूरी हमें कहानी संक्षेप में बताएं सर। तो योगेश मेरा भतीजा भी है। अच्छा। और योगेश ने एक बार मेरे से डिस्कस करी, बलंकला ऐसे बात है, ये बिल्डिंग ये बंद हो गई थी किसी कारण, यानी कि इसमें ये फोगाट स्कूल था 56 सेक्टर बल्लमगढ़ से जी, जी। तो इसमें मैंने एक साल इसमें सेवा भी की थी जी। तो उसके बाद ये इसमें घाटा हो गया स्कूल में, तो ये बंद होगी बिल्डिंग जी। तो उसके बाद हमारा विचार बना इस स्कूल को हम दोबारा शुरू करें जी। तो किसी कारणवश फिर हमने ये स्कूल नहीं किया हमने। फिर योगेश जी ने बताया, भाई अंकल जी ये प्रॉब्लम है, हम ये काम कर लें, मैं ठीक है इसमें हम करते हैं, तो हमने सहयोग किया। तो ये ऐसा सपोर्ट रहा, हर किसी को नहीं मिल पाता जी जी, जी 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 तो और ये चीज़, हाँ आप बताइए कि जैसे कि लोग मशरूम को देखते हैं और इसकी आपको अच्छा लग रहा है, मतलब ये आपने इनिशिएटिव लिया है मशरूम को उगाने का? अभी तो हमको प्रॉफिटेबल बिजनेस लगा जी। प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं आप मशरूम के प्रोडक्ट? आपने जैसे बताया कि अभी आपके प्रोडक्ट निकले हैं मशरूम के, तो इसकी पैकेजिंग आप कैसे करते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को व्यूअर्स को आप बताइए। देखो आपको दिखा, आ जाइए। हाँ, ये पैकिंग चल रही है हमारी अब जी। ये 200-200 ग्राम की मार्केट में सप्लाई है इसकी जी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से चल रहा है काम जी। ये मीटर लग रहा है जी, ये देखिए आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि मीटर लगाया हुआ है, उसको कैलिब्रेशन के साथ तोल के नाप के अच्छी पैकेजिंग के साथ बाजार में उतारा जाएगा। ये पैकेजिंग हो रही है, उधर वॉशिंग हो रही है, मशरूम को वॉश किया जा रहा है। आप सामने दिखाइए एक बार कैमरामैन, वॉश किया जा रहा है, ये देखिए। इसमें लगभग 8-9 के जो साइज आएगा वो प्रीमियम, इसमें तीन क्वालिटी होती है, स्मॉल साइज की जी, एक प्रीमियम की और एक लार्ज की। अच्छा। और इसमें प्रीमियम की ज्यादा मांग है मार्केट में, यानी 8-9 पीस आ जाए आपके तो सबसे बेस्ट है, उसका रेट भी बेस्ट है जी। और सबसे मजबूत काम है इसमें पैकिंग, अगर आपने डील कर दी तो रेट नहीं मिलेगा। अच्छा, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अब परसों की बात है जी, अब तीन तरह के रेट आए हैं पैकिंग की वजह से। ढीली पैकिंग 75 का रेट आया, टाइट पैकिंग 80 का रेट है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया, आप दर्शकों को आखिरी वाइंड अप करते हैं, ये सवाल बताइए कि लोगों के मन में जिज्ञासा है, आपके पास इतने सारे लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया है? जी हमने यहाँ पे 10 लोगों को, 2 तो वॉचमैन है जी जी, और फिर 8-10 आदमी तो इसके लिए चाहिए ही चाहिए जी, जी। और फिर हम भी हैं जी जी। मेरे को इनसे बातचीत करके बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि इतनी कम उम्र में इन्होंने प्रेरणा ली है, और प्रेरणा लेने के बाद इन्होंने ये इतना सुंदर स्टार्टअप किया है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 10 से 11 लोगों को रोज़गार भी दिया है, लोग काम भी कर रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ YouTube पे लोग वीडियोज़ देखते हैं, लोगों को लगता है, पेरेंट्स को लगता है, विच इज़ नॉट प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं निकलती है, बच्चे इंटरनेट का वेस्टेज करते हैं और वेस्ट करते रहते हैं अपना समय टाइम, पर ऐसा नहीं है। हमारे सामने एक मिसाल के रूप पर ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनेट को देखकर इंटरनेट से सदुपयोग ले रहे हैं और उसका काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, मुझे दें इजाजत, मैं हूं हर्षवर्धन, कैमरामैन विशाल के साथ, धन्यवाद।